हेडली बाजार के मुख्य बाजार में नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर दुकानों के आगे लगे त्रिपाल हटाने की कार्यवाही की गई, जिस दौरान नगर पालिका के इस कार्यक्रम से दुकानदारों में काफी रोष देखने को मिला। जानकारी के अनुसार कस्बे में मुख्य टीन बाजार और बाजार चौक स्थित बाजारों में नगर पालिका के करीब आधा दर्जन कर्मचारी बाजार में आए और बाजारों में से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के नाम पर दुकानों के आगे लगे त्रिपाल को जबरदस्ती हटाने लगे। वहीं व्यापारियों द्वारा नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा की गई इस कार्यवाही का जमकर विरोध किया और नगर पालिका कार्यालय पहुंच गए। वहीं व्यापारियों ने बताया कि नगर पालिका के आदेश के अनुसार पूर्व में ही दुकानों के आगे लगे अतिक्रमण को हटा दिया गया था, लेकिन तेज धूप के कारण उस धूप से बचने के लिए दुकानों के आगे लगे त्रिपालों को दुकानदारों ने लगाया था ताकि उनकी दुकानों पर धूप ना आए, जिन्हें नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती हटाया गया। व्यापारियों के विरोध पर नगर पालिका के पार्षद राजकुमार जैन, जीनेश कंसल, पार्षद प्रतिनिधि प्रकाश चंद्र जैन नगर पालिका पहुंचे और वहां पर उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों से नगर पालिका द्वारा की गई इस कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगी, जिस पर नगर पालिका ईओ किंगपाल सिंह ने कहा कि उनके द्वारा इस तरह का कोई भी आदेश कर्मचारियों को नहीं दिया गया। उधर मामले में नगर पालिका द्वारा 3 फुट जगह पर सामान रखने की मांग पर साल भर पहले ही टीन बाजार में दुकानदारों को सामान रखने की छूट दे दी गई थी, जिसके लिए नगर पालिका में द्वारा दुकानों के आगे लाइन भी खिंचवाई गई थी, जिस पर दुकानदारों ने उक्त जगह के पर सामान रखने की छूट सहित धूप से बचाव के लिए त्रिपाल लगाने की मांग भी रखी थी, जिस पर नगरपालिका ईओ द्वारा सर्वे करके मामले में विचार करने की बात कही गई थी।